सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं आप सभी को, जो कि जो लोग भी अदर एग्जाम के लिए देख रहे हैं, जेई के अलावा कोई कुछ कुछ एग्जाम हो जिसमें कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए कम फी पे या ज़्यादा फी पे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उन सब एग्जाम का लास्ट डेट अप्लाई करने का कब है और आपको उस एग्जाम में कब अपेयर होना पड़ेगा, अलग अलग डेट्स से सारे का, तो सब देने जा रहे हैं। इस ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगा, अलग अलग सर्च करके देखना होगा, बट यहाँ पे आपको एक वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन मिलने जा रहा है। तो प्लीज़ आप ध्यान दें, कॉमेड के जो कि बैंगलोर और कर्नाटका के कॉलेज के लिए है, उसमें आप अपेयर कर सकते हैं, जिसका एक डेट है एग्जाम का 12 मई, बट 5 अप्रैल तक आपको उसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। इसी तरह से VIT EEE बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए आपको 19 से 30 अप्रैल के बीच में अपेयर होना होगा एग्जाम के लिए, वो अलग अलग डेट आता है स्लॉट बुकिंग का, वो आप कर सकते हैं। और उसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 30 मार्च है। बिटसेट में दो फेज होगा, पहला फेज का जो लास्ट डेट अप्लाई करने का वो 11 अप्रैल है और सेकंड फेज का जो है वो 22 से 10 जून के बीच में आप कर सकते हैं। एग्जाम जो है पहला 19 से 24 मई और सेकंड जो है 22 से 26 जून के बीच में होगा। फिर ACCC फेज वन तो हो चुका है, फेज टू का लास्ट डेट है 20 अप्रैल और एग्जाम डेट होगा आपका 2 से 12 मई। फिर SRMJEE में भी दो फेज है, तो 13 अप्रैल तक पहला फेज का डेडलाइन है अप्लाई करने का और 15 जून तक सेकेंड फेज का। और एग्जाम जो है पहला फेज वो होगा 19 से 21 अप्रैल और दूसरा होगा 21 से 23 अप्रैल। इसके बाद बात करें WBJEE के बारे में, तो वो 5 फरवरी को ऑलरेडी उसका एप्लीकेशन खत्म हो गया, बट एग्जाम 28 अप्रैल का होगा। तो ये सब जो भी एग्जाम बता रहे हैं आपको, इन सब का गाइडेंस चाहिए कैसे प्रिपेयर करना है, और उसके बाद प्रिपरेशन हो गया फिर काउंसलिंग कैसे करना है जिससे कि बेस्ट कॉलेज बेस्ट ब्रांच मिल सके, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वीडियो, उसमें आप डिटेल चेक कर सकते हैं मेरे गाइडेंस का। इसके बाद अभी से लेकर एडमिशन तक हम आपको गाइड करते रहेंगे सारे एग्जाम के लिए, या फिर किसी एक एग्जाम के लिए आपको चाहिए उसके लिए भी ले सकते हैं। तो उस पर आपका चार्ज डिपेंड करेगा कि किस तरह का आप ज्वाइन करते हैं, मल्टीपल के लिए या सिंगल के लिए। तो अगर आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई फ्रेंड, दिस इज अमित और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे अपने मेंटोरशिप एंड गाइडेंस के बारे में, जो कि हम लास्ट 5-6 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू ऑलरेडी दे रहे हैं। आपको जो भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है उसके लिए हम आपको डेली बेसिस पे गाइड करेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे हम सेलेक्ट करके आपको देते रहेंगे। बस आपको उस बात को फॉलो करना है जो हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपका बेस्ट रिजल्ट आ सके। प्रिपरेशन सही होगा तभी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बार अच्छा प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आप सारे एग्जाम में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसी तो मेंटोरशिप प्लस काउंसलिंग गाइडेंस दोनों मिलेंगे आपको। एक बार आप रजिस्टर करते हैं एक नॉमिनल चार्ज पे करके, जो कि डिपेंड करेगा आपका रिक्वायरमेंट पे, तो आप चाहें तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे थ्रू, जो कि अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आप देख पाएंगे। थैंक यू। आगे एग्जाम का बात करें तो MSTCET का अगर बात करें आप, तो MSTC जो कि महाराष्ट्र के लिए है, तो उसमें आपका जो लास्ट डेट वो 8 मार्च ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट एग्जाम डेट 25 से 30 अप्रैल का है। इसके बाद बात करें कलिंगा का, तो 19 मार्च लास्ट डेट है एप्लीकेशन का और 27 से 30 मार्च आपका एग्जाम होगा। फिर SNU है, फिर GUDSET है, KSET है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम हैं जिसके बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए, ताकि आपको एक बेस्ट कॉलेज मिल सके अगर आपको JEE में अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है फिर भी। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लास्ट डेट के बारे में और एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या होगा और एग्जाम डेट क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिए। इसी तरह से सारा इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में लेने के लिए इंग्लिश चैनल ज्वाइन करें और ये जितने भी एग्जाम बताएं सारे का अलग अलग वीडियो चल पर आते रहेगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।